नमस्कार, आप लाइफ स्ट्रीम्स देख रहे हैं। मैं हूं आपका साथ रोहित वर्मा। देखिए, बिहार में यादवों के राजनीति के बीच बिहार बीजेपी के प्रदेश कार्यालय के बाहर एक बड़ा सा पोस्टर लग गया है और उस पोस्टर में देखिए राजद के जो अर्जुन माने जाते हैं तेजस्वी यादव के बाद अब बीजेपी को अपना अर्जुन मिल गया है। देखिए, महापर्व छठ की शुरुआत बिहार में कल से होने वाली है, मगर उससे पहले बिहार बीजेपी के बाहर एक बड़ा सा पोस्टर इस बीच लगा है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी को बीजेपी ने अर्जुन बताया है और सबसे अचंभव करने वाली बात और चौंकाने वाली बात यह है कि राजद को काफी लंबे समय से उसका अर्जुन मिल गया था, यानी तेजस्वी यादव को राजद के नेता अर्जुन बताते हैं। राजद अर्जुन तेजस्वी यादव को मानती है और इधर बीजेपी को अब उसका अर्जुन मिल गया है। देखिए, सम्राट चौधरी की बड़ी सी तस्वीर लगी है और इस बड़े से पोस्टर में अर्जुन के तौर पर जो है सम्राट चौधरी को दर्शाया गया है और एक यादव नेता के द्वारा इस पोस्टर को बीजेपी कार्यालय के बाहर लगाया गया है। देखिए, बीजेपी कार्यालय के बाहर इधर और रोड के बीच में उस साइड भी देखिए बड़ा सा पोस्टर लगा है और उस पोस्टर में प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी की तस्वीर को दर्शाया गया है और उस तस्वीर में साफ साफ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी को भावी मुख्यमंत्री प्रत्याशी बताया गया है। देखिए, बिहार उस पर लिखा है कि बिहार के भावी मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी प्रदेश अध्यक्ष भाजपा बिहार को जन्मदिन की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। राष्ट्रीय यादव विचार मंच यानी यादव विचार मंच के द्वारा ये पोस्टर बीजेपी कार्यालय के बाहर लगाया गया है। कुछ ही दिनों पहले जब गोवर्धन पूजा था तो बिहार बीजेपी ने यादव सम्मेलन किया था। यदुवंशी सम्मेलन के बीच बीजेपी के कई बड़े नेता, कई दिग्गज नेता पहुंचे थे और इस बीच यादवों ने ये पोस्टर बीजेपी के बाहर लगाकर आरजेडी में खलबली सी मचा दी है। देखिए, अर्जुन के तौर पर तेजस्वी यादव का नाम खूब उफान पर रहता है। राजद के नेता अर्जुन बताते हैं बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को और इस बीच बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को अब भावी मुख्यमंत्री के साथ साथ इधर अर्जुन बताया गया है, यानी बीजेपी को अब उनका अर्जुन मिल गया है। एक तरफ लोकसभा चुनाव की तैयारियों में बीजेपी और सभी राजनीतिक पार्टियां जुट चुकी हैं तो इधर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी को अर्जुन की तस्वीर दे दी गई है। महापर्व छठ के पहले यादव जो जाति होते हैं वो बीजेपी के तरफ रुख कर रहे हैं और बीजेपी ने कुल 21,000 यादवों को बीजेपी का दामन थमाया। तस्वीरें भी आपने देखी थी कि किस तरीके से बापू सभागार के भीतर खचाखच यादवों से पूरा बापू सभागार भर गया था और इधर लोकसभा चुनाव के पहले यादवों को एकजुट करने में बीजेपी तमाम कोशिशें कर रही है और ये तस्वीर, ये पोस्टर काफी चीजें बताता है। इधर लोकसभा का चुनाव और इधर बीजेपी को उसका अर्जुन मिलना किस तरीके से राजद और महागठबंधन देखेगी, देखने वाली बात होगी। मुख्यमंत्री प्रत्याशी तक सम्राट चौधरी को बताया गया है। बहरहाल, इस खबर में बस इतना ही। अगर आपने अब तक लाइव चिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्द से जल्द लाइव चिटीज को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।